आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है मनु की। वो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके घर में एक छोटी बहन और उसके मम्मी पापा थे। एक दिन मनु अपने पापा के साथ रात में टहलने निकला। तारों की तरफ देखते हुए उसने पापा से पूछा, पापा ये सितारे कहाँ से आते हैं? उसके पापा को उसका जवाब मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि जब धरती पर कोई मरता है तो आसमान में तारा बन जाता है। इस पर मनु दूसरा सवाल पूछता है कि लोग मरते क्यों हैं? ये कहानी मनु या उसके पापा की नहीं, बल्कि उन सब की जिनके सवाल के जवाब में कहानी सुनने को मिली। जवाब नहीं, और ये आज से नहीं बल्कि मानवता की शुरुआत से ये प्रथा चली आ रही है। आदिकाल में जब मनुष्यों को आपसी सहायता की जरूरत थी, तब उन्होंने समाज की कहानी गढ़ी। जब उन्हें ये और बड़े स्तर पर करना था, तो उन्होंने धर्म और राष्ट्र की कहानी बनाई। जब व्यापार को एक दर्जे से ऊपर ले जाना था, तो उन्होंने मुद्रा या करेंसी की कहानी लिखी। ये सब और ना जाने कितनी कहानियां बनाई गई ताकि हम अपने जीवन और समाज में बिना किसी द्वंद के जी सके। लेकिन हमें कहानियां बनाने की आदत हो गई। कुछ लोगों ने इस कला को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। कई दफा कहानियों के असल रूप देने के लिए डर का उपयोग किया गया। जब भी कठिन सवाल आए तो छानबीन किए बजाय कोई पुरानी कहानी का इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग किया। आप इस कास्ट के हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। आप इस राष्ट्र से हैं तो आपकी सोच सही नहीं होगी। आप इस रंग के हैं तो आप में अपराध के बीज हैं। ये कास्ट, राष्ट्र, रंग और ना जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जिन पर आज हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उसी तरह हम अपनी निजी स्तर पर भी अपने आप को लगातार कहानी सुनाते रहते हैं। क्या कहानी होगी ये निर्भर करता है कि आप आज तक कौन सी कहानी सुनते आ रहे हैं। अगर आप मध्यम वर्ग से हैं तो आपकी कहानी शायद थोड़ा है थोड़े की जरूरत में विश्वास रखती है। अगर आप गरीब हैं तो आपके मन में पैसा और पैसे वालों के प्रति आक्रोश की कहानी हो सकती है। अगर आप अमीर हैं तो आपकी कहानी बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया हो सकती है। अगर आपने निराशा की कहानी ही देखी और सुनी है तो आपने अपने आप को सांचे में डाल लिया होगा। तो इससे साफ जाहिर है कि आप जिस कहानी पर विश्वास रखते हैं उसको जीते हैं और अपनी तकदीर बना लेते हैं। तो क्या हमारे पालन पोषण और हमारे समाज ने हमारी सीमा पहले से ही फिक्स कर दी है और हम इसके गुलाम हैं? नहीं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सीमा को पार किया है, जिन्होंने समझा है कि वो आज किसी और की बताई कहानी और उसके नियमों को जी रहे हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की कहानी को नहीं माना। मार्टिन लूथर किंग ने भेदभाव की कहानी को नकारा। महेंद्र सिंह धोनी ने एवरेज की सीमा को पार किया। उसेन बोल्ट ने शारीरिक क्षमता को आसमान की ऊंचाइयों तक ले गया। और ना जाने ऐसी कितनी ही और एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये समझा बल्कि अपनी कहानी खुद लिख डाली। वो कहानी जिसे आज सारा विश्व सुना रहा है। सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने माता पिता, समाज, धर्म, राष्ट्र और नेता की सुनाई हुई कहानी पर चल रहे हैं, या आप उस हर कहानी पर सवाल उठा रहे हैं जो आपको और आपकी सोच को बढ़ने नहीं दे रहा? क्योंकि कोई भी कहानी आपकी सच्चाई नहीं बन सकती। काश मनु के पापा उसे कहते, बेटा, मुझे नहीं मालूम तारे कहां से आते हैं। आओ, मैं और आप मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढें।